नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों देखिए, बॉटनी में हम लेके आए हैं झटपट सीरीज जो बिल्कुल निःशुल्क है। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो नंबर 41 है, यानी लगातार ये इसके पहले 40 वीडियो हो चुके हैं और ये 41 है। आज हम बात करेंगे किस पर? बार्क पर। देखिए बार्क की बनी हुई है, बार्क को छाल कहते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं बार्क की। देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं बार्क की। देखिए क्या होता है, ऑल द टिश्यूज लाइंग, LYING, ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड दी ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट बार्क, ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट बार्क। वैस्कुलर टिश्यू के बाहर जो भी टिश्यू होते हैं वो जो है वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू पाए जाते हैं वो बार्क बनाते हैं, छाल बनाते हैं। अब देखिए क्या क्या इसमें है, हम बता रहे हैं आपको। ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट बार्क। अब देखिए इसमें इसको हम लिख चल रहे हैं अगले पेज पर। देखिए वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है ये सेकेंडरी फ्लोयम होता है, फिर क्या होता है प्राइमरी फ्लोयम होता है, फिर देखिए क्या होता है प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है, और फिर क्या होता है ये आपका पेरीडर्म होता है। अब आपको पता कि पेरीडर्म में तीन चीजें होती हैं। एक देखिए सबसे बाहर की तरफ हो, सबसे अंदर होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, ये देखिए कॉर्क कैम्बियम होगा, और ये देखिए फिर क्या हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा। देखिए आप दो तरीके से कह सकते हैं बार क्या है। ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट बार्क, यानी सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स और पेरीडर्म, ये मिलके क्या बनाएंगे, बार्क बनाएंगे। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं क्या, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, इसके ऊपर देखिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ये मिलके क्या बनाएंगे, बार्क। और आपको पता है बेटा जी कि बार्क दो प्रकार के होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहां हमने लिखा बार्क, और ये बार्क दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिंग बार्क, और दूसरा होता है स्केल बार्क। रिंग बार्क देखिए क्या होता है, ये देखिए रिंग बार्क है, इसको क्या कहते हैं, देखिए इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेट। यहां जो एग्जाम्पल है उसका नाम है देखिए बेटुला यूटिलिस, इसे भोजपत्रा कहते हैं, ये भोजपत्रा है। आपको पता कि एंशियंट टाइम में जब पेपर की डिस्कवरी नहीं हुई होती थी तो भोजपत्र पर लिखते थे, जो छाल होती तो उसी पर लिखते थे। तो ये भोजपत्र बेटुला यूटिलिस, ये रिंग बार का एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे किसका, स्केल बार की बात करेंगे। ये देखिए हम बात करेंगे किसकी,
स्केल बार की। तो यहीं देखिए हम बात कर लेते हैं स्केल बार की। ये आपका स्केल बार्क है, देखिए ये स्केल बार्क है, ये देखिए ये स्केल बार्क है, ये देखिए इट कम्स आउट, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। और एग्जांपल में देखिए यहां दो एग्जांपल हो जाएंगे, एक का नाम है यूकेलिप्टस, 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 और दूसरा इसमें है गुआवा, गुआवा। यूकेलिप्टस देखिए है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। तो ये देखिए बार्क हो गया, दो प्रकार का, रिंग बार्क, स्केल बार्क, और इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेट, बेटुला यूटिलिस, भोजपत्रा है। इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। ये दूसरे कलर से मैं थोड़ा लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये देखिए मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, यहां दो एग्जांपल, एक है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, और दूसरा देखिए इसमें है गुआवा। तो ये आपका हो गया बार्क। तो बच्चों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी जीडीसी, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पीएससी, हरियाणा पीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, या यूके पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टीचर्स एकेडमी पर। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।